कुछ सिंपल और टेस्टी बनाना है, टाइम कम है, मेहमान आने वाले हैं या यू ही खाने का मन है, इन सारे क्राइटेरियाज को मीट करने वाला सिंपल येट एक्सोटिक डेजर्ट है मैंगो मूस। ये 15 से 20 मिनट में सिर्फ चार चीजों से बनके तैयार हो जाता है, जिसमें ना कंडेंस्ड मिल्क यूज होता है, ना अगर अगर यूज होता है, ना जेलेटिन यूज होता है और ना एग्स यूज होते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये क्विक एंड डिलिशियस मैंगो मूस। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप दूध, 1/2 कप शुगर, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, 3 पके हुए आम जिसका पल्प 300 ग्राम के करीब हो। देखिए ये 1 कप 250 ml का है, मैंने इसी से ही सारी चीजें मेजर करी है, आप भी एक ही चीज से सब कुछ मेजर करिएगा। मैंने यहाँ मीठे दशहरी आम लिए हैं, आप भी मीठे आम लीजिएगा, खट्टे नहीं तो दूध के साथ उबालते समय दूध फट सकता है। यहाँ मैं दो तरह से आम के पल्प निकाल रही हूँ, एक तो मैं लाइंस बना रही हूँ आम के अंदर और उसको जब खोलूंगी तो देखिए इस तरह से सारे पीसेस विजिबल हो जाएंगे और मैं सारे पीसेस को स्लाइस करके निकाल रही हूँ। और दूसरा तरीका जिसमें मैं आम को चम्मच से स्कूप करके उसका पल्प निकाल रही हूँ, आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे, उसमें डालेंगे मैंगो पल्प, चीनी और दूध। दूध हम लेंगे 1 कप और 1/4 कप, 1/4 कप हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए छोड़ देंगे। सभी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी पीसेस ना बचे और प्यूरी एकदम ही स्मूथ हो। देखिए ऐसे एकदम मैंगो शेक जैसा। अब रखे हुए 1/4 कप दूध से हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके एकदम स्मूथ स्लरी बना लेंगे। गर्म दूध यूज नहीं करेंगे नहीं तो गुठलियां पड़ सकती हैं। इसको हम अलग रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और मीडियम फ्लेम में मैंगो प्यूरी को इसमें डाल देंगे। हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये मैंगो प्यूरी कढ़ाई के तले में लग के जल ना जाए। देखिए ये प्यूरी बॉईल हो चुकी है क्योंकि इसमें बबल्स आ गए हैं, तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने के साथ साथ हम चलाते रहेंगे, चलाना छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालते ही मिक्सचर गाढ़ा होने लगता है और अगर हम छोड़ देंगे चलाना तो ये तले से लग के जल भी सकता है। हम एकदम लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब देखिए मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया है। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, इस मिक्सचर को बीच बीच में स्पून में लेके थोड़ा सा टेस्ट करते रहिए और देखिए पाउडरी टेक्सचर तो नहीं कस्टर्ड पाउडर का आ रहा है, क्योंकि अगर पाउडरी टेक्सचर आ रहा है मतलब कस्टर्ड अभी ढंग से कुक नहीं हुआ है और हमें थोड़ी देर और कुक करने की जरूरत है। अब हम किसी भी ओडरलेस रिफाइंड ऑयल से मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे। हम घी और बटर को नहीं यूज करेंगे क्योंकि घी और बटर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडर और फ्लेवर होता है जो मूस के टेस्ट से इंटरफियर करेगा। हम मोल्ड्स को पहले से ही ग्रीस करके रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम तैयार किए हुए मिक्सचर को सारे मोल्ड्स में डाल देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। स्पैटुला से ऊपर से इवन कर लेंगे और टैप करके एयर बबल्स रिलीज कर देंगे।
बचे हुए मिक्सचर को मैंने एक बड़े मोल्ड में डाल दिया है। अब इन सब को 2 से 3 घंटा फ्रिज में रख लेंगे, फ्रिज के नॉर्मल स्पेस में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं। बड़े वाले मोल्ड को मैंने डीमोल्ड कर लिया है और गार्निशिंग के बाद एकदम एंग्री आउल जैसा लग रहा है। अब मैं डीमोल्ड कर रही हूँ सर्कुलर मोल्ड्स को। ये देखिए साइड से ये अपने आप ही छूट के निकल रहा है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं प्लेट में अपसाइड डाउन कर दूंगी। वाओ, कितना अमेजिंग और परफेक्ट मूज बना है। अब हम इसे मैंगो पीसेस, चेरी, ग्रेप्स, जो भी आपको पसंद है उससे गार्निश कर सकते हैं। अब मैं प्लेट को हिला रही हूँ और जिस तरह से मूस शेक कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, उससे इतना क्लियरली पता चल रहा है कि ये कितना डेलिकेट, सॉफ्ट और स्मूथ बना है और मुंह में जाते ही घुल जाएगा। टच करते ही ये स्पून में आ गया, देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। तो फ्रेंड्स, सोचिए नहीं, आज ही बनाइए ये सुपर सिंपल, क्विक और डेलिशियस मैंगो मूस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।